सीबीएसई पेपर लीक पर इस वक्त का बड़ा खुलासा यह है कि 12वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर 10 व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हुआ था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक हर व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 50 लोग मौजूद थे। इन 50 लोगों में ट्यूटर, छात्र और पेरेंट शामिल हैं, जो चार मोबाइल नंबर 26 मार्च को इकोनॉमिक्स के सॉल्व पेपर के साथ सीबीएसई के दफ्तर में पार्सल के जरिए मिले थे, वो सभी ट्यूटर्स के हैं। ये ट्यूटर किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक 35 लोगों से पूछताछ की है। इनमें दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक विक्की भी शामिल है। विक्की से आज भी क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये बड़ी खबर, पूरी जानकारी बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल विक्की जो कि क्राइम ब्रांच है लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो पूरा रेकॉर्ड, नीरज आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, सीबीएसई पेपर लीक मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 12वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर 10 व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हुआ था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक हर व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 50 लोग मौजूद थे। इन 50 लोगों में ट्विटर, छात्र और पेरेंट शामिल हैं, जो चार मोबाइल नंबर 26 मार्च को इकोनॉमिक्स के सॉल्व पेपर के साथ सीबीएसई के दफ्तर में पार्सल के जरिए मिले थे, वो सभी ट्विटर्स के हैं।